आपका वेदिका किचन किंग में स्वागत है। आज मैं आपको सोया चाप बनाकर दिखाऊंगी, जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है। मैं सोया चाप को दो टुकड़ों में काट लेती हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चाप कट के तैयार है। हमने चाप बनाने के लिए कुछ सामग्री ले लिया। चूल्हे पर हम कढ़ाई को रख लेते हैं। कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। अब हम चाप को फ्राई कर लेते हैं। चाप को अच्छे से चला लेंगे। इसमें हम नमक डाल लेंगे ताकि चाप में अच्छे से नमक का टेस्ट आ जाए। जब तक हम प्याज काट लेते हैं। टमाटर को भी काट लेते हैं पीसने के लिए। चाप हमारा फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी बड़ी इलायची है और प्याज जिसे हम पीस लेते हैं। ये मूंगफली का दाना है, इसे भी हम पीस लेंगे। मूंगफली के दाने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा, ग्रेवी अच्छी तैयार होगी। इसमें फिर थोड़ा सा और रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी। देखिए तड़के में हमने हींग, जीरा और तेजपत्ता डाल लिया। अभी हमारा पिसा हुआ मसाला है, जिसमें प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, मूंगफली का दाना सब पीस के मैंने रख लिया था। मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा और नमक डाल लेंगे। एक चम्मच हल्दी डाल लिया। एक चम्मच देगी मिर्च डाल लेते हैं और एक चम्मच लाल मिर्च और डाल लेते हैं टेस्ट के लिए। धनिया डाल लेते हैं दो चम्मच। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मसालों को ढक दिया हमने। फिर हम ढक्कन को हटा के देखते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है कि नहीं। देखिए मसाला जो ये तेल छोड़ चुका है, तो ये अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम सोया चाप डाल लेते हैं। अब मसाले के साथ अच्छे से चाप को भूनेंगे हम। अब हम इसमें चाप मसाला डाल लेते हैं ताकि टेस्ट काफ़ी अच्छा आए और इसे अच्छे से भूनेंगे। हमने 250 ग्राम दूध डाल लिया, इससे कलर अच्छा आएगा।
अब हम पानी डाल लेते हैं और इसे अच्छे से चला के हम इसे ढक देंगे। हम ढक्कन को हटा लेते हैं, इसे हम देखते हैं अच्छे से पक चुका है। अब हमारा सोया चाप बन के तैयार है, इसे हम सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।